साल बदला है, क्या जिंदगी बदलेगी या बदलेंगी तो सिर्फ कैलेंडर की तारीखें। हर साल न्यू ईयर पे लोग सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं और रेजोल्यूशन लेते हैं, खुद से वादे करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सिर्फ 8% लोग ऐसे होते हैं जो अपने से किए वादे को पूरा करते हैं। बाकी का क्या होता, बाकी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। और जो 8% होते हैं वही कामयाब होकर दिखाते हैं। अच्छे रेजोल्यूशन टूटते क्यों है? क्योंकि ये वादे दिल से किए ही नहीं जाते हैं। खा लो ना अपनी मम्मी की कसम, खा लो ना अपने पापा की कसम कि इस ईयर इस साल से मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगी। नहीं, कसम नहीं खाई जाती। अगर एक बार आप कसम खा लोगे ना, फिर देखना आपने जो भी रेजोल्यूशन लिया होगा पूरा होगा। आप खुद टूट जाओगे लेकिन उस रेजोल्यूशन को नहीं तोड़ोगे। हम ये को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ये कोई त्योहार तो नहीं, ये कोई इवेंट भी नहीं। हमें तो सिर्फ वही साल याद रहते हैं जिसमें हमने कुछ हासिल किया होता है या हमारी जिंदगी बदली होती है। 2007, 2011, 2013, इन सालों को सोचते हुए आपके दिमाग में याद आएगा 2007 यानी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, 2011 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीता था, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। आपको 2020 याद क्यों नहीं आता? आपको 2009 क्यों नहीं याद आता? क्योंकि वहां हमारी टीम ने कुछ हासिल नहीं किया था। ऐसे ही हमारी पर्सनल लाइफ के साथ होता है दोस्तों। जब हम अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर लेते हैं, हमारी जिंदगी बदलती है, हमारे लिए वो साल नया होता है क्योंकि उस दिन उस साल हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। बदलाव आप लेके आओगे, कोई और नहीं लेके आएगा। करो ना खुद से वादा, खाओ ना कसम, डरते क्यों हो? कौन है ये शख्स? इसे मैं नहीं जानता। इसकी शक्ल सूरत जरूर मुझसे मिलती है लेकिन ये मैं नहीं हूं। मेरा सोचने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरे प्रोफेशनल स्किल्स, मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी, सब कुछ अब बदल चुकी है। ऐसा कैसे हुआ? मैंने खुद से कुछ वादे किए होंगे, मैंने खुद को बदला होगा, मैंने अपने आप से किए वादों को निभाया होगा, मैंने कुछ कसमें खाई होंगी, मैंने किसी रात को बैठ के जरूर सोचा होगा कि आज से और अभी से मैं ये काम नहीं करूंगा, आज से अभी से मैं ये काम करने वाला हूं। इस तरह से ही जिंदगी बदलती है। जिस रोज जिस साल तुम कुछ हासिल कर लेते हो ना, उसी साल से तुम्हें अपनी जिंदगी में बदलाव नजर आता है। तुम्हें सिर्फ वही साल, वही पॉइंट ऑफ टाइम याद रहता है और बाकी तो सब वक्त है। वक्त का काम ही है बीतते रहना। घड़ी नहीं रुक सकती, निकाल के फेंक दो सेल, लेकिन ये घड़ी कभी नहीं रुकेगी। वक्त तो चलता रहेगा, इसमें तुमने क्या किया? तुम्हारी कोई अचीवमेंट नहीं है कि साल बदला, मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है कि साल बदला। अचीवमेंट ये है कि उस साल में तुमने क्या किया, कैसे उस साल को आपने खास बनाया खुद के लिए और दुनिया के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। आज तुम्हारी उम्र 19-20 साल है ना, पलक झपकते ही ऐसे 5 साल बीतेंगे, ऐसे 10 साल बीतेंगे और तुम खुद को यहीं पर खड़ा हुआ पाओगे। कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि बदलने वाले तुम खुद हो। क्या खुद को बदलना चाहते हो? रास्ता नहीं पता तो मैं बताता हूं रास्ता। अभी साल की शुरुआत होगी पहली तारीख से, 1st of January से। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, आप सभी के जो एग्जाम होने हैं ना, वो एग्जाम मिनिमम 1 महीने बाद होंगे, 1.5 महीने बाद होंगे और आपके पास पूरा पूरा मौका है उस 1 महीने को, 1.5 महीने को, 2 महीनों को भुनाने का, यूटिलाइज करने का। दोस्तों याद रखना, अगर एक दिन अगर आप 10 घंटे पढ़ लेते हो ना, तो आपसे ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट कोई नहीं मिलेगा आपको। आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कभी करके तो देखो। लो ना रेजोल्यूशन, खाओ ना कसम अपने मम्मी की, अपने पापा की कि अगले 2 महीने मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा, अपने करियर पे फोकस करूंगा, 10 घंटे 12 घंटे जितने भी मेरे अंदर ताकत है उसका इस्तेमाल करके अपने करियर पे लगाऊंगा, अपनी पढ़ाई पे लगाऊंगा। देखना बदलेगी जिंदगी। महीना भर सुनने में कम लगता है, करने बैठ जाओ तो पता चलता है कि 1 महीना भी काफी होता है जिंदगी बदलने के लिए और कभी कभी तो 1 पल ही काफी होता है दुनिया बदलने के लिए। स्वागत है आपका उस 8% के ग्रुप में। साल बदला, क्या जिंदगी बदलेगी? हैप्पी न्यू ईयर।